हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनम मलकर। वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप लोग के एग्ज़ाम में पीवीएफटी 30 तारीख को है, पीवीएफटी के एग्ज़ाम। तो आप एक भी टेंशन मत लीजिए, जितना भी आपने पढ़ा है सफिशेंट है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए, जिससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें, टॉपिक्स टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक्स कि आपको कौन से एकदम से क्लियरली करके जाना है। देखिए, मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, उसको एनालाइज किया, तो मुझे मालूम चला कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो ब्यूटीन है, जैसे ब्यूटीन लिखा है, तो पूछता है कि इसमें कितने कार्बन होते हैं। तो कॉमन है एकदम, मतलब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। मेन टॉपिक ये हुआ कि आपको जनरल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कितने में कितने, जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन, इसमें कितने कार्बन होते हैं, किस टाइप की श्रृंखला बनती है। क्वेश्चन आया है बहुत सारे कि कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि किस ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे अपन श्रृंखला बना सकते। तो कार्बन है ऐसा जिससे अपन बना सकते हैं श्रृंखला है। ठीक है, तो आपको जनरल केमिस्ट्री आना चाहिए, जनरल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अपनी वो आपको आना चाहिए। आपको नॉर्मल नेम याद रहना चाहिए, जैसे कि मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें मैंने बहुत सारे नोट्स भेजे हैं पीएफटी के लिए, पीएनएसटी के लिए। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होता है, नॉर्मल नॉलेज से आईयूपीएसी नेमकरण होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आपको विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएनएसटी में बहुत क्वेश्चन आते थे इससे, और अभी पीएफटी में भी चांसेस है विटामिन से क्वेश्चंस आने के, तो विटामिन आप रेडी कर लीजिए। थर्ड टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में जो रसायन होता है, ये वाला चैप्टर। इसमें मेडिसिन वगैरह जो है इनके उपयोग पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिहेव्स ऑफ गैसेस एक चैप्टर है, मतलब इसमें क्या टॉपिक बताया गया है, चार्ल्स का नियम है, इसमें अवोगैड्रो का नियम है। ठीक है, तो इसमें मेन उसने फॉर्मूला जो लाया वो आपको ही पता होगा, आदर्श गैस समीकरण जिसको बोलते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, तो इससे बहुत पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से ही बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को, इसके छोटे छोटे टॉपिक्स को रेडी कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, अगला टॉपिक आपको सॉल्यूशन पढ़ना है इस चैप्टर को, मतलब मेन टॉपिक बता जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया एक, फिर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग को जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसमें इसकी जो नोट्स है मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पॉलीमर पढ़ लीजिएगा, पॉलीमर चैप्टर में आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जैसे नायलॉन है, नायलॉन 6,6 है, इसके यूज़, इसमें ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ये किसके उपयोग, इनका उपयोग क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके भी नोट्स मेरे टेलीग्राम पे डले हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ लीजिए ओनली। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ लीजिए, डी ब्लॉक मैंने मेरे वीडियो लेक्चर डला हुआ है डी ब्लॉक का। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मतलब पूछता है कि ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पूछता है, तो आप इसको ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी में क्या होता है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जेनेटिक्स किस टॉपिक से क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूँगी। तो उसमें आया है जो अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये अगर इससे ये हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, अनुवादन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिसमें ब्रेन के बारे में आप पढ़िए, ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, आई से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बायोटेक पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने बोल रही मैं, मेन टॉपिक्स बता रही जिससे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ लीजिए, इवोल्यूशन पढ़ लीजिए, और सर्कुलेटरी सिस्टम, इकोलॉजी, डाइजेशन सिस्टम, इसमें रोग इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर जो अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन आता है, इनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो रोग होते हैं, उनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, एक साल में 5 बार। मैंने 2018 का शिफ्ट सेकंड का देखा था पेपर, उसमें 5 बार रिप्रोडक्शन, 5 बार क्वेश्चन, एक चैप्टर से 5। मतलब आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एस्क्रीशन पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो चैप्टर्स में नेम बोल रही हूँ ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डले हुए, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे बॉटनी में, बॉटनी में ज़्यादा क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो चैप्टर है अपना सेल चैप्टर, ठीक है। आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं आज डाल दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। ट्रिक से आप 5 हार्मोन है, ओनली हार्मोन के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, ओनली इस चैप्टर हार्मोन्स के सिवा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। सेल साइकिल पढ़ लीजिए, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ लीजिए। इसमें क्या, मिनरल न्यूट्रिशन से 4 क्वेश्चन एक ही साल में आए हैं, और जो प्लांट हार्मोन मैंने आपको बताया उसमें 3 क्वेश्चन आए एक ही साल में, और सेल से 4 क्वेश्चन आए। मतलब आपको ये समझ आ रहा है किससे ज़्यादा वेटेज है, मतलब सेल अपना हो गया, सेल हो गया, प्लांट हार्मोन हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेसिस से ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैव विविधता एवं संरक्षण, इससे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछता है कि XC2 बताइए, NC2 बताइए, इन-सीटू और XC2 के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, एनाटॉमी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आए अपन लास्ट फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हर साल, हर एक एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाले, आप जाकर देखिए, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, हर जगह, आप नीट हो, PNST हो, PVFT हो, हर जगह क्या आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसके भी टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। काइनेमेटिक्स पढ़ लीजिए, इसके इसके नोट्स डले हैं मेरे पास, ठीक है, टेलीग्राम पर। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति जो होती है, तरंग दैर्ध्य हो गया, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, इससे इसमें इससे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैक्टर से क्वेश्चन आया, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो होता है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बर्नौली थ्योरम जो है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन आए हैं, और जो अपने यूनिट एंड डायमेंशन होते हैं, बहुत यूनिट एंड डायमेंशन बहुत छोटा सा चीज़ है, अगर आप एकदम क्लियरली फॉर्मूले से डिवाइड करना जाने उसको, मतलब फॉर्मूले से डेरीवेट करें उसको, तो बहुत ईजी वे में आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी निकालो पूछ लेता है, इस टाइप के, बस भंवर धारा से आए क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे जो टॉपिक्स है आपको समझ आए हो, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।